आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां एएमयू में 15 दिसंबर की रात हुए बवाल के आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले दिनों पुलिस के ऊपर हमला, एसपीसीडी की गाड़ी में तोड़फोड़, 15 दिसंबर की रात हुए बवाल जैसी घटनाएं हुई। सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर कई बार छात्र उग्र भी हो गए। ऐसे कई मामलों में पुलिस ने कई छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। उनमें से एक फरहान जुबेरी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। बता दें कि फरहान जुबेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मास्टर ऑफ सोशल वर्क का छात्र है और वो बदायूं का रहने वाला है। यहाँ कई छात्र आंदोलनों में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने छात्र पर कुल 12 मुकदमे कायम किए थे, जिनमें से एक मामले में FIR लगी है, बाकी 4 में चार्जशीट जारी है, जबकि 7 मामलों में जाँच चल रही है। आज थाना सिविल लाइन द्वारा फरहान जुबेरी नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जो कई अभियोगों में वांछित चल रहा था। 15 दिसंबर को जो AMU में कानून व्यवस्था संबंधी घटना हुई थी, उसमें तथा अन्य 6 अभियोगों में गिरफ्तारी की गई। और इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन पर करीब 11 अभियोग फरहान जुबेरी के विरुद्ध पंजीकृत हैं।